नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में चैतन्य चमत्कारी श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अक्षय तृतीया का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रायसेन स्थित चैतन्य चमत्कारी श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अक्षय तृतीया पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य जैन अनुयायियों के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने दीक्षा कल्याणक होने के बाद 6 मार्च तक घोर तपस्या की। 6 माह के बाद आहार विधि के लिए भगवान ने अनेक ग्राम के नगर शहर में विहार किया, किंतु जनता व राज लोगों को आहार की विधि मालूम न होने के कारण भगवान को धन कन्या पैसा सवारी अधिक अनेक वस्तु भेंट की। भगवान को ये सब अंतराय का कारण जानकर पुनः वन में पहुँचे। 6 माह की तत्पश्चात योग धारण कर लिया। इसके उपरांत राजा श्रेयांश और उनकी पत्नी सुमति देवी ने आहारचर्या में अच्छु रस प्रदान किया। इसी दिन से आहार दान करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी पर्व को मनाने के लिए रायसेन जैन समाज के लोग प्रातः से ही मंदिर जी में एकत्रित होना शुरू हो गए थे। आज शांति धारा की पहली बोली विकास जैन एवं परिवार, शांति धारा की दूसरी बोली सुधीर जैन एवं परिवार, शांति धारा की तीसरी बोली धर्मचंद एवं परिवार, शांति धारा की पांचवी बोली राकेश जैन एवं परिवार एवं छठवीं बोली वीरेंद्र जैन एवं परिवार ने प्राप्त की। भगवान को वापस वेदी पर विराजमान कराने का सौभाग्य राकेश जैन को प्राप्त हुआ। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम था मंदिर में? आज मंदिर जी में जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का पर्व है और इस अक्षय तृतीया पर हमारे मरु देवी के लाल प्रथम देवाधिदेव आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान जी को 6 महीने तपस्या और 6 महीने भ्रमण के पश्चात आज उनको प्रथम आहार प्राप्त हुआ था। और ये आहार का सौभाग्य, परम सौभाग्य जो है हमारे श्रेयांश, राजा श्रेयांश को जो है प्राप्त हुआ था और इच्छु रस का उन्होंने उन्हें आहार दिया था। इसी के उपलक्ष्य में हम सभी जैन धर्मी जो है वो अक्षय तृतीया को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं और आज मंदिर जी में भगवान की अभिषेक एवं शांति धारा बड़े ही इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में संपन्न की गई। आज क्या त्यौहार था? आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन श्री आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तपस्या की, 6 महीने बाद उनको आहार मिले। राजा श्रेयांश से उनको काय का आहार मिला था साहब उनको? आज इच्छुक रस यानी कि गन्ने के रस का आहार था जी आदिनाथ भगवान को दिया गया है। इस उपलक्ष्य में हम सभी जैन समाज वाले सभी उसको अक्षय तृतीया का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आदिनाथ भगवान की यह बोलते हैं और सभी लोग इच्छुक रस का ग्रहण करते हैं। जाके सभी लोग इच्छुक गन्ने का रस को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज समाज को? आज हम सब रायसेन जैन समाज अक्षय तृतीया का पर्व बड़े धूमधाम से श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मनाया है और सभी लोगों में बड़ा उत्साह रहा। अक्षय तृतीया के दिन हमारे प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान का हस्तिनापुर राजा श्री श्रेयांश सोमदेव राजा सोम के यहाँ प्रथम आहार हुए थे जो कि इच्छुक रस के द्वारा किए गए थे और हम इसलिए इसका अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं।